लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के आरक्षण के खिलाफ के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अब तक 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति की भी मांग की गई है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी संख्या में ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री से ये आग्रह कर रहे हैं और 6800 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति सरकार से मांग कर रहे हैं और उसमें आरक्षण में जो घोटाला हुआ है उसकी जाँच को लेकर ये मांग कर रहे हैं। लंबे समय से ये लोग लगातार जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन महिलाओं से कि ये कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। मैम कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? अर्चना वर्मा। कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से ये छोटा बच्चा लेके मैम आ गई ठंड में सुबह सुबह, क्या वजह है? सर क्या करें, हम लोग सारी परीक्षाएं पास करके अपने माँ बाप के सपने, अपने सपने लेकर के पूरे करने के लिए हम लोग ने सारी परीक्षाएं पास की, फिर हम लोगों को आरक्षण विसंगति हुई हमारे साथ। हमारे न्याय मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश से हमारी लिस्ट आई, बस हम नियुक्ति चाहते हैं सर, हमें नियुक्ति मिल जाए। देखिए छोटा बच्चा लेकर पहुंची है, भाई साहब क्या मांग है अभी तक? कई बार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण है, आरक्षण घोटाला हुआ, योगी जी ने मान लिया कि 69,000 में घोटाला हुआ, 6800 की लिस्ट निकाली लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग इतना मजबूर है कि माननीय शिक्षा मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनसे मिलने के लिए लगातार एक महीने से प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम परेशान है, ये नियुक्तियाँ बाबा जी के उस माध्यम में होगी। तो हम लोग आज बाबा जी के पास आए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला होने के बाद 6800 पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इस वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग सड़कों पे ऐसे चटलते रहेंगे, अपनी मांग मांगते रहेंगे। देखिए इनका कहना है कि पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों हैं, जबकि पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लंबे समय से ये प्रकरण चल